तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग जो है वो है $390 से $6,500 के आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं तो मैं गूगल पे आके अगर मैं यहाँ पे USD टू INR करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने से स्टार्ट हो रहा है, $390 से। तो अगर मैं यहाँ पे $390 डालूं, $390, तो आप देख सकते हैं ये इंडियन रुपीज में 31,931 रुपए से स्टार्ट है और इनकी जो मंथली अर्निंग है वो $6,500 के आसपास है, 6.2 है। तो मैं यहाँ पे $6,200 अगर डॉलर डालूं तो आप देख सकते हैं ये 5 लाख के करीब इनकी अर्निंग हो रही है मंथली। तो यहाँ पे कितना ज्यादा पैसा है, और ये भी ऐसे ही बॉलीवुड सॉन्ग्स को दोबारा रीअपलोड करके यूट्यूब से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, और इस तरीके से आप भी कमा सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ यहाँ पे दे दिया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब पर बॉलीवुड सॉन्ग्स को रीअपलोड करके उससे महीने के लाखों रुपए अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि आपको कैसे सारा प्रोसेस करना है। और आपका जो एक प्रॉब्लम रहती है, एक समस्या रहती है कि जब भी आप किसी बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूट्यूब पर डालते हैं तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी जो वीडियो है, जो सॉन्ग है, उसके अंदर आपको कॉपीराइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी वीडियो के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। अगर आपने किसी स्टेप को मिस कर दिया तो हो सकता है फिर आपकी वीडियो में कॉपीराइट आए, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कैसे सारा प्रोसेस करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर। मैंने इसे यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं ये मेरे होम स्क्रीन है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लोफी सॉन्ग, ठीक है, ये हमें सर्च करना है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा इस पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। आप देख सकते हैं 4 वीक पहले डाली है, 1.2 मिलियन व्यूज़। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं 1.7 मिलियन व्यूज़ एक हफ्ते, ये 4 वीक पहले डाली है ये भी, ठीक है। यहाँ पे 20 मिलियंस, 45 मिलियंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलियंस में व्यूज़ आपको इन सॉन्ग्स पे देखने को मिलते हैं, लूफी सॉन्ग्स पे। ये बॉलीवुड सॉन्ग्स ही होते हैं, रीअपलोड करके उसमें एडिटिंग करके लोगों ने यहाँ पे डाले होते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से लूफी सॉन्ग कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं सब आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने भर भर के आपको व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चैनल सर्च कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लाइव। यहाँ पे रिवाइव नाइम से ये एक चैनल है लूफी सॉन्ग्स का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे 79.8 के सब्सक्राइबर्स हैं और 156 वीडियोज़ ही डाली हैं इन्होंने। इनके अगर हम वीडियो वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं इनकी पॉपुलर वीडियो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं 6.7 मिलियन, 3 मिलियन, 1.8 मिलियन, मिलियंस में व्यूज़ हैं इनकी सारी जितनी भी पॉपुलर वीडियोज़ हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं इनकी पॉपुलर, आप देख सकते हैं नीचे तक। तो आप देख सकते हैं इस तरह की वीडियो आपको भी क्रिएट करनी है, कैसे करनी है, कैसे एडिटिंग करना है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगा। और मैं आपको इसकी अर्निंग भी दिखा देता हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाई थी इसी की अर्निंग दिखाई थी। तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, रिवाइव है ये, ठीक है। मैंने ये चैनल ओपन भी किया हुआ है, तो हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बाहर निकल आएंगे और हम चलेंगे क्रोम के अंदर। तो क्रोम पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये वही चैनल है, यहाँ पर रिवाइव आप आइकन देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये सेम वही चैनल है और यहाँ पे मैंने जो आपको अर्निंग दिखाई थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग $390 से $6.2K तक, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, लाइव प्रूफ आपको दे दिया था, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट करना है अब हम उस पर चलते हैं। तो हम यहाँ से भी बैक आ जाएंगे। अब आपको ये सॉन्ग्स कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर मैंने यहाँ से ओपन कर लिया,
और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है बैंड लैब। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे हम इसे अब ओपन करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और इस तरीके से आपको भी इसमें अकाउंट बना लेना है। इसमें आपको जीमेल से या फ़ोन नंबर से जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉगिन करने के लिए बोलेगा उस तरीके से आप इसमें अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने ये होम स्क्रीन आ जाएगी इसकी इस तरीके से। और यहाँ पे आपको नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपल इसके आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओपन स्टूडियो नीचे रेड कलर में ही आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ऊपर प्लस का जो आइकन दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं उनको ही आपको डाउनलोड करना है, उन्हीं में हम एडिट करेंगे क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ही ज़्यादा सुनेंगे लोग। तो मैंने एक सलमान की नई मूवी जो आ रही है अभी, किसी का भाई किसी की जान, उसके सॉन्ग को मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा और उसी में एडिटिंग करूँगा सारी। तो ठीक है, आपको भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को ही लेना है। ठीक है, जिससे आपके जो व्यूज़ हैं वो तेज़ी से आएँ आपकी वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना है सारे प्रोसेस को। यहाँ पे आपके सामने प्लस पे आई क्लिक करके ये जो ऑप्शंस हैं आपके सामने आ जाएंगे और इसमें आपको लास्ट में इंपोर्ट फाइल का सबसे नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके अपने सॉन्ग को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस पर क्लिक करता हूँ और अपनी ऑडियो फाइल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो सॉन्ग है वो यहाँ पर इम्पोर्ट होना शुरू हो गया है और ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपका सॉन्ग है ये पूरा यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर में आ गया है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये करना है आपको, जहाँ से आपका सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है आपको वहाँ से पहले वाला सारा पार्ट ट्यूनिंग का वो सब ट्रिम कर देना है। जहाँ से गाना स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो ये मैंने चला के देख चुका हूँ मैं, तो ये 26 सेकेंड से ये गाना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 26 के आसपास इसे ला के यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये 26 पर मैं लेके आया और यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप किया और उसके बाद मैं इसे यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। 25.8 आया है अभी, तो ये लगभग 26 हो गया। ठीक है, 25.8 पे ही यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सॉन्ग को और यहाँ पे स्प्लिट करूँगा। सबसे पहले स्प्लिट करा मैंने और फिर मैं आगे वाला जो पोर्शन है, जो ये इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे डिलीट कर दूँगा और ये जो मेरा सॉन्ग है इसको मैं पकड़ के आगे लेके आ जाऊंगा सबसे। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के आपको आगे लेके आ जाना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं सबसे आगे आपको इसे ले आना है। ठीक है, जीरो पे। तो यहाँ पे ये अब जो सॉन्ग है मेरा वो यहाँ से जो सब 26 सेकंड थे वो मैंने कट कर लिया और यहाँ से अब ये सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने इसमें एडिटिंग कर दी। अब अगर आप इस सॉन्ग को ऐसे एडिट करके डाल देंगे यूट्यूब पे तो आपको पक्का कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो कॉपीराइट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक एक और इसमें एडिट करना है, इसके अंदर एड ऑन करना है, एक और म्यूज़िक आपको डालना है। तो नॉन कॉपीराइट आपको म्यूज़िक यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपका रेन वाला एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक आपको लेना है, तो मैंने रेन का रिलैक्सिंग म्यूज़िक डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी यूट्यूब से जाके वहाँ से लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, या नॉन कॉपीराइट अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूज़िक मिल जाएंगे, आप उनमें से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक और म्यूज़िक जो रेन वाला है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो उसे कैसे इंपोर्ट करना है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का आइकन है जो ये लेफ़्ट साइड में ही जहाँ पे हमने सॉन्ग इंपोर्ट किया, इंपोर्टेड सॉन्ग ट्रैक लिखा हुआ है उसके नीचे ये प्लस का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें फिर से इंपोर्ट फाइल के अंदर जाना है, सबसे नीचे है जो, और हमें अपने सॉन्ग को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है जो हमने रेन रिलैक्सिंग म्यूज़िक है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक है वो रेड कलर के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, मेरा ये रिलैक्सिंग म्यूज़िक रेन वाला म्यूज़िक है ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, जो ये आपका सॉन्ग है ब्लू कलर का, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा आपको पीछे कर देना है,
ठीक है, 2-3 सेकंड या 1-2 सेकंड आपको इसे पीछे से स्टार्ट करना है। पहले आपका रेन वाला जो सॉन्ग है वो स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपको इसे अगर प्ले करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये स्टार्ट होगा सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रेन का कुछ आएगा और फिर ये वाला पोर्शन आपको इस तरीके से सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको इसमें और थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, और थोड़ी सी इसमें ऐसी एडिटिंग करनी है जिससे YouTube इसको पकड़ ना पाए। और वो क्या एडिटिंग है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में ही काफ़ी सारे एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, नीचे सबसे लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट कॉर्नर में, बॉटम लेफ़्ट में आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके सामने दोनों चीज़ें जाएंगी। जो ब्लू वाला है वो हमारा सॉन्ग है और जो रेड वाला है वो हमारा रिलैक्सिंग म्यूजिक है, रेन वाला। तो हमें जो ये इंपॉर्टेंट ट्रैक ब्लू वाला है इसको हमें 7 डिग्री तक कर देना है। तो मैं इसे 7 कर देता हूँ, माइनस यहाँ पे पूरा लूँगा मैं, बिल्कुल यहाँ पे 7 कर देंगे, -7 डिग्री कर दिया है, ठीक है, -7.1 हो गया है, एक आध पॉइंट को ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये -7 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से बाहर क्लिक कर देना है दोबारा उसी के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं इस पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इम्पोर्टेंट जो ट्रैक लिखा हुआ है जहाँ पर, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं ये इम्पोर्टेड ट्रैक जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से हमारे सामने खुल जाएगा। और अब हमें यहाँ पे नीचे सेंटर में आप देख सकते हैं ऑटो पिच एफएक्स लिखा हुआ है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से अब हम इसमें इफ़ेक्ट डालने वाले हैं, जैसे यूट्यूब को ये पकड़ नहीं पाएगा यूट्यूब इसको कि ये बॉलीवुड सॉन्ग है कोई, ठीक है, किसी का बॉलीवुड सॉन्ग हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से अब आपको होल वाली जो फीलिंग आएगी, आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हॉल में बैठे हैं, हॉल वाली वॉइस आएगी। तो आपको यहाँ से हॉल वाला जो इफ़ेक्ट है वो आपको सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हॉल वाला इफ़ेक्ट देख लेता हूँ कहाँ पे है इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज हॉल ये लिखा आ रहा है, आपको इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसमें एडिट का लार्ज हॉल का जो नीचे सिंबल बना है इसमें, यहाँ पे इसके सामने जो सिंबल है इस पर क्लिक करना है कस्टमाइज़ करने के लिए, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे लार्ज होल के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर हम इन पर अलग अलग क्लिक करें तो ये सब। अब इसमें आपको क्या एडिटिंग करनी है, आपको एज़ इट इज़ जो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको वही एडिटिंग इसके अंदर करनी है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, मैं इसमें क्या क्या एडिट करूँगा। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है जिसके अंदर मिक्स है, विड्थ है, साइज़ है, डैम्पनिंग है और टाइप है। तो यहाँ पे आपको मिक्स जो है उसको आपको 36 से कर देना है 50%, ठीक है। उसके बाद जो विड्थ है आपकी वो आपको थोड़ी कम कर देनी है, वो कर देनी है आपको 7.2% हो गई। साइज़ जो है वो सेम रखना है, बाकी सब कुछ आपको इसमें पहले इसके अंदर सेम रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये सेटिंग करनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। उसके बाद सेकंड आपको एज़ इट इज़ यही सेटिंग करनी है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर आपके सामने 3 ऑप्शन है, मिक्स, टून, साइज़, ठीक है। तो मिक्स को आपको इसमें भी 50% कर देना है, तो मैं इसमें मिक्स को कर देता हूँ 50%। उसके बाद टून आपकी, इसमें आपको टून को बढ़ा देना है 70% कर देना है, तो इसे मैं 70% कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साइज़ है उसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, वो आपको कर देना है 30%। तो आपको ये दूसरी सेटिंग करनी है। उसके बाद थर्ड वाले के अंदर जाएंगे हम, इसमें लो वाली जो है उसको आपको -4 से कर देना है, -1.3। तो मैं हम यहाँ इसे -1.3 कर देंगे। मिड वाली को आपको करना है, मिड वाली को एज इट इज़ रहने देना है। हाई वाली को आपको करना है 7.5, तो मैं इसे कर दूंगा 7.5, यहाँ पे कर देंगे हम 7.4 भी चलेगी ये, ठीक है, 1 पॉइंट अप डाउन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिड स्वीप है जो, उसको हमें 600 तक कर देना है, तो ये हम कर देंगे 600। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं आप मैन्युअली, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 600, सेव, ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा 7.5 कर देता हूँ, 7.4 रह रहा था जो, ठीक है। तो ये एज इट इज़ सेटिंग आपको कर देनी है।
अब यहाँ पे हमने ये सारी सेटिंग्स कर ली, उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सॉन्ग के अंदर लग गई है। ठीक है, अब आपका सॉन्ग कैसे सुनाई देगा वो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए आपका जो सॉन्ग है वो किस तरीके से आ गया। ठीक है, आपका सॉन्ग थोड़ा सा और डाउन हो गया और आपको होल वाली फीलिंग आ रही है, जैसा कि होल में होती है। अब हम इसमें और थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे काइन मास्टर के अंदर। ठीक है, काइन मास्टर के अंदर इसमें एडिटिंग करनी है, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लाइव, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इस सॉन्ग को सेव करना है। तो ऊपर आपको टॉप राइट में आपको जो ये एरो वाला बादल वाला साइन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है सेव करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नाम बोलेगा, नाम में आप लूफी सॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे आप क्लिक करेंगे तो ये अभी सेव नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू पे आपको क्लिक करना है नीचे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू को आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद अब आपको इसे यहाँ से सेव करना है। सेव कैसे करना है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे प्ले नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देना है। तो अब ये जो सॉन्ग है वो आपके फ़ोन के अंदर आपकी गैलरी के अंदर सेव हो गया है इस तरीके से। ठीक है, ये ऑडियो सॉन्ग अब आपकी गैलरी के अंदर सेव हो गया है। अब हमें काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ से कम्प्लीटली बाहर आ जाता हूँ। अब काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर जाने से पहले एक चीज़ और है, हमें कुछ फुटेजेस भी चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे एज ए वीडियो से यूज़ करेंगे, ताकि हम वीडियो में कुछ मतलब जो सॉन्ग है हम वीडियो के, आपको पता ही है वीडियो के रूप में ही यूट्यूब पे डालनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कुछ फुटेजेस चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम जाएंगे क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर जाएंगे हम और यहाँ से यहाँ पे हम गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे एक जो हमारे जहाँ से फ्री इमेजेस हैं नॉन कॉपीराइट, ठीक है, जिनमें कॉपीराइट नहीं आता, उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, पिक्सल्स पे, पिक्सल्स हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो पिक्सल्स के अंदर हम अंदर एंट्री कर जाएंगे वेबसाइट में, pixels.com पे आ जाएंगे और यहाँ से हमें कुछ वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, तो हम नीचे वीडियोज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे, या पहले हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने सर्च किया यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियोस चाहिए, फुटेजेस चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस पे क्लिक करके आपके सामने काफ़ी सारी यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की वीडियोस हैं। तो इन्हें आपको डाउनलोड कर लेना है, इन पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले होने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है, यहाँ से फ्री डाउनलोड से आपको इनको डाउनलोड कर लेना है। मैंने 2-3 डाउनलोड करके रखी हुई है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ से जो आपकी फुटेजेस हैं वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं काइनमास्टर के एप्लीकेशन के अंदर। तो काइनमास्टर के एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पे, काइनमास्टर की एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आपको प्लस का जो आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 16:9 पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद गैलरी आएगी, लेकिन उसे आपको स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो आपका सॉन्ग है वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको मीडिया पे क्लिक करना है और अपने सॉन्ग को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको जो फुटेजेस हैं, जो आपने वीडियो डाउनलोड करी थी पिक्सल से, वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो आपको मीडिया पे जाना है और उन्हें यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ मीडिया पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है फुटेजेस। ठीक है, फुटेज मैंने एक ही कॉपी कर ली, आपको सिखाने के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, आप 4-5 जितनी आप करना चाहें कॉपी करके बार बार आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं जो ये फुटेजेस हैं इनकी आपको साउंड जो है वो म्यूट कर देनी है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनकी साउंड म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया, वॉल्यूम पर क्लिक किया और 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो सॉन्ग है वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ऑडियो वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो सॉन्ग है, जो लोफी सॉन्ग आपने बनाया, वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड में ये डेमो डेमो लूफी सॉन्ग आ गया। ठीक है, यही वो सॉन्ग है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया इस सॉन्ग को। अब आपको क्या करना है, इस सॉन्ग की जो वॉइस है उस पर क्लिक करना है आपको, और इसकी जो आपको वॉइस है वो आपको थोड़ी सी डाउन कर देनी है 100 से, ये आपको 90 के अराउंड कर देनी है। ठीक है, तो मैं इसे 90 के या 89 या 90 के अराउंड हो जाए बस यहाँ पे 89 कर दी मैंने। ठीक है, डन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखना है वो तो आपको पता भी होगा, लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लूफी सॉन्ग, LOFI सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं बीच में, एल बड़ा कर दें, उसके बाद ओके। ठीक है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं पकड़ के ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे कहीं भी सेट कर दें, और इसको पूरा आपका जितना सॉन्ग आ रहा है जहाँ तक वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बदल गया है अब सॉन्ग। अब आप इसको यहाँ से सेव कर दें, ऊपर एरो पे क्लिक करके इसे सेव कर लें सॉन्ग को, और यहाँ से आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपको सारी एडिटिंग करनी है, और अगर आप इस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे जो मैंने सिखाया, तो आपकी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आएगा, और आप यूट्यूब पर बॉलीवुड सॉन्ग्स को रीअपलोड करके उससे लाखों रुपये कमा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि आपको किस तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज़ करना है, कैसे एडिटिंग करनी है। सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में मैंने सिखा दिया है। अगर फिर भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।